मैं भी अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ। बताइए कैसा आपका चल रहा है सब कुछ, स्टडी कैसी हो रही है आपकी? बस अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए वही क्लासेस चल रहे हैं। एग्जाम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, एग्जाम भी ऑनलाइन ही होंगे आपके अभी तो? अच्छा, हाँ सर, अभी तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। मिड टर्म चल रहे होंगे आपके अभी? हाँ सर, मिड टर्म चल रहे हैं। अच्छा, तो अपने व्यूअर्स को मैं पहले बता देता हूँ कि ये श्रुति बोरा हैं। इनको आपने पहले ही MBBS डायरेक्ट के यूट्यूब पर देखा होगा, तो इन्होंने बातें शेयर की थी और अभी दोबारा से ये हमारे साथ में हैं, बता रही हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो जब ये पहली चीज़ की जब ये बात आपने सुनी कि COVID-19 वहाँ पर ब्रेक हो गई है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आपको उस समय कैसा लगा, कि डर लगा थोड़ा सा? सर एक्चुअली हम लोग वेकेशन के लिए तब आ गए थे, तभी वो विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए थे। तो आ गए उसके बाद हमें पता चला, एग्जाम्स वगैरह सब क्लियर हो गया था। जब बाद में न्यूज आया तो थोड़ा तो डरे कि हमें तो कुछ हुआ नहीं है, पर फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, 14 डेज तक देखा कुछ हुआ नहीं, ठीक है सब सही था। अच्छा, तो उस समय आप इंडिया में थी ना? हाँ सर, मैं इंडिया में थी। अच्छा, तो आपने इंडिया से फिर वापस यूनिवर्सिटी एक बार गई होंगी, फिर वहां से फिर वापस इंडिया आए, ऐसा हुआ है? नहीं, सर हम लोग वेकेशन के लिए आ गए थे तभी तो जस्ट तब स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था वुहान। एक्चुअली मेरी मम्मी को पहले ही कहीं से न्यूज आ गई थी कि वुहान में कोई वायरस आया है, तो मम्मी ने मेरे को बताया था कि ऐसा कोई वायरस का नया कोई एक वायरस आया, तो तुम देख लेना कुछ हो सकता है करके। फिर दिसंबर से सर क्योंकि स्टार्ट हुआ था COVID-19 का फैलना, तो जनवरी में ये मेन न्यूज जनवरी में पता चला कि ऐसा है, और अभी और जगह में भी बहुत स्प्रेड हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर 1 सेकंड के लिए तो डर गए थे क्योंकि हम लोग वाया क्या बोलते हैं फास्ट बुलेट ट्रेन के आए थे, तो दूसरे जगह भी गए थे और कितने लोगों के कांटेक्ट में आए थे। एयरपोर्ट में कोई भरोसा नहीं है, कोई कैरियर था नहीं था हमें पता नहीं, तो डरे तो थे। पर फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ निकल गया, कोई सिम्टम्स ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक ही था सब। तो तो वैसे तो आप डॉक्टर की बेटी हैं और खुद भी डॉक्टर बनने जा रही हैं, तो आपको तो इन सब चीज़ों से बहुत यूज थ्रू होंगी कि हाँ ठीक है, आज हो गया कल को ठीक हो जाएगा, आपको भी ट्रीट करना ही है कल को आगे चल के। अच्छा, सर और आपके पिताजी इस समय हॉस्पिटल में हैं? अभी थोड़ी देर पहले घर वापस आए हो? अच्छा, तो वहाँ पर कोरोना का कोई केस अभी है नहीं ना, जैसे आपने बताया आपकी तरफ? नहीं, अभी तो कोई केस नहीं है। फ्लू वाले ऐसे लोग आए थे हॉस्पिटल बोले पापा ने, पर उनको फिर होम क्वारंटीन कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट वालों अच्छा, तो जब आपकी बात हो तो उनको मेरा नमस्कार बोलिएगा, ने। काफी दिन हो गए उनसे बात नहीं की और इस जी समय सर। वो फ्रंट लाइन वॉरियर है। तो दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके आसपास के लोग जो उस समय, जैसे आपके पड़ोसी भी होंगे या बहुत से लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि आप चाइना क्यों चले गए, चाइना में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है? हाँ सर, वो तो थे, वो लोग थोड़े कॉशियस हो गए थे, थोड़ा दूर रह रहे थे, बात फैल रही थी कि अभी ये चाइना से आई है, उनके घर नहीं जाना चाहिए। पर फिर हम लोग सर खुद लाइक 14 डेज के लिए आने के बाद ही मैं होम टाउन चली गई थी, तो मैं यहाँ पे थी ही नहीं। मैं गुजरात से मैं आसाम चली गई थी, अच्छा, तो फिर उसके बाद बहुत बातें हुई थी कि हाँ ये अभी चाइना से आई है, इनसे मिलना नहीं चाहिए, ये कॉन्टेक्ट में आएगी, पर मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं थी उस टाइम पे भी, तो बातें तो फैली थी सर। ये भी काफी आजकल देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स भी चाइना से होके आए हैं उनको भी ये बोला जा रहा है कि आप चाइना गए और देखिए आप फंस गए। हाँ अच्छा, आपको चाइना में जाने के बाद में, यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद, कभी ऐसा लगा कि आपने गलत यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लिया? वैसे मैं बता दूं व्यूअर्स को, शायद लोगों को ये पता भी है जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको, कि श्रुति बोरा सियांग जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। बताइए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। एक्चुअली बहुत खुश थी वहां जाके। हमें अभी आने के बाद अभी ऐसा हो रहा है कि हम जाएंगे कब, जाना है जाना है, बार बार हम लोग यही वेट कर रहे थे कि फिर जाए। अच्छा, और एक जो वहां पर प्रॉब्लम देखी गई थी कि फूड को रिलेटेड, कि इंडियन फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मेस हाँ नहीं है, तो इसमें आपको कोई परेशानी आई या फिर कोई ऐसा नहीं है आप मैनेज कर? सब मैनेज हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग थे क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, बोलना नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है लिखा क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। पर 1 मंथ बाद आप लोगों को इवन टीचर्स बता देते हैं कि ये है, ये चीज खाने का ये है, तुम लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप किसी से पूछ लोगे वो बता देते हैं आपको। टीचर्स से स्पेशली हमारा इंटरेक्शन इतना होता था कि वो बहुत हेल्प करते थे।
तो उन्हें हम पूछ लेते थे तो वो बता देते कि ये चीज ये है ये है, और स्पेशली सर इंडियंस के लिए लाइक बीफ वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर हम वो लोग हमें स्पेसिफिकली बता देते कि ये है, तुम लोग अगर ये लोग ये बोल रहे तो तुम नहीं खाते हो, जान लो ये चीज ये है। तो अभी तो सर हम लोग खुद बना लेते हैं, या फिर कभी कभी मेन सिटी चले जाते खाने के लिए, और सर वीकेंड्स तो हमारा अच्छा चला जाता है। अच्छा, एक चीज और कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार एक पेरेंट्स आए हमारे पास में, तो उनके बच्चे के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो चाइना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वो बोल के रहे, लेकिन उनका एक कंसर्न था कि हमारा बच्चा चाइनीजों के बीच में फंस जाएगा। एग्जैक्ट यही उन्होंने बोला कि हमें डर लगता है हमारा बच्चा चाइनीजों के बीच में फंस जाएगा। इस रिमार्क पे आपका क्या कहना है कि ऐसा वाकई होता है कि वहां पहुंचने के बाद फंस जाएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इंडियन ही इतने सारे मिल जाएंगे आपको अपने खुद के यूनिवर्सिटी में, एक कम्युनिटी बन जाता है इंडियंस का, और चाइनीज के साथ इंटरेक्शन सर ऐसे ही कम होती है, ज्यादा हो ही नहीं पाती है, वो लोग भी अपने में ही रहते हैं, हम लोग भी अपने में ही ज्यादा रहते हैं, कभी कोई काम रहता है तो ही बात होती है, वरना इतना कुछ नहीं है, तो फंसने की तो बात ही नहीं बनती उसमें। वैसे क्या कोई ऐसी परेशानी है कि चाइनीज परेशान करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, घेर लेते हैं, रैगिंग वगैरह? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि चाइना जाएंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे, अब तो बड़ी परेशानी। नहीं, नहीं, नहीं। एक तो यहाँ मीडिया में भी चाइना को लेके काफी चीजें होती रहती है, इसका भी एक इम्प्रेशन रहता है लोगों के। यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आउट ऑफ 10 कितना आप इसको देना चाहेंगे? अभी के लिए क्योंकि मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे से, इसलिए मैं 8 दूंगी, अभी मेडिकल स्टार्ट होने के बाद मैं आपको +2 हो जाएगा। अच्छा, ये आप अभी HSK की तैयारी कर रही होगी? जी सर। कितनी चाइनीज सीख ली आपने पिछले 6 महीने में? नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहिए उतना तो सर आता है। अच्छा, उतना आ गया? हाँ सर। शुरू में चाइनीज लैंग्वेज को देख के डर लगता था आपको कि ये काफी डरावनी लैंग्वेज है, ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? स्टार्टिंग के 1 वीक तो ऐसे डर गए थे कि मतलब क्या ही दे दिया है, क्या पढ़ना है, कैसे होगा, पास होंगे नहीं होंगे, पर फिर अगर हम लोग लाइक प्रैक्टिस करते रहे, हर रोज सर 1 घंटा डिवोट कर देंगे सर, हो जाता है। तो कोई खास परेशानी? कोई इतना इशू नहीं। यहाँ तो बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि कई बार तो कुछ एजेंट्स ही बोल देते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स से कहते हैं अरे चाइनीज सीख लो 3 महीना यहीं पे, नहीं तो वहाँ जाने के बाद बहुत परेशानी होगी। आपने शायद मेरे हिसाब से इंडिया में चाइनीज की क्लास नहीं ली थी। नहीं सीखी थी। आपको वहाँ जाने के बाद कोई ऐसी परेशानी हुई कि अगर आपको चाइनीज आती तो आप अभी कहीं और ही होती, ऐसा कुछ लगा या फिर? कुछ भी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, शायद स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट में 1-2 नंबर ज्यादा आ जाते, बाकी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा सर। अच्छा, नहीं आपके साथ में कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने सीखी थी? हाँ सर, उन्होंने सीखा था, पर सर बाद में जाके सेम ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ सीख के जाते हैं प्रैक्टिस नहीं होती है यहाँ पे किसी से बोलने की, वहाँ पे हम लोग वर्चुअली मतलब लोगों से बात होती है हमारी, तो उससे ज्यादा प्रैक्टिस होता है, और इंडिया में सर सीख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा तो ये मानना है कि अगर यहाँ सीख के गए तो पहले तो वहाँ पहुँचने के बाद जो यहाँ सीखा उसको भूलो, शुरू करो, तो उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी बजाय इसके। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स को। हाँ। बाकी और सब कैसा चल रहा है? बस अभी तो अच्छा ही, अभी एग्जाम्स और 2 हफ्ते चलेंगे, पता नहीं डेट्स दिए जा रहे हैं, हम लोग तो बस बुला ले, अब देखता है HSK का वो लोग क्या करते हैं फाइनल एग्जाम। अच्छा, HSK वगैरह के तो आपका सब कुछ ऑनलाइन, वैसे भी ऑनलाइन ही होता है HSK तो? सर ऐसे पेन पेपर भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, पर सर पेन पेपर ज्यादा प्रिफर करते हैं, लिखना इजी पड़ता है टाइपिंग वगैरह से, तो सर चाइनीज अब टाइप करने से तो बेहतर ही है। ये भी आपकी बात जस्टिफाइड है काफी। तो यही सब चीजें मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने बताया कि अच्छा वहां पर जब आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से डील कर रही है, एक चीज ये और पूछना था कि क्या मेजर्स ऐसे लिए जा रहे हैं जिनसे आप लोग COVID-19 में ना आए या जो ट्रांसमिशन है वो ना हो आप तक, तो यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है और क्लासेस को उन्होंने कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया है? हाँ सर, कम्प्लीटली ऑनलाइन है, जैसे ही मतलब सर हमें पता चला कि मतलब वेकेशन टाइम था, तो उन्होंने मिड वेकेशन में ही बता दिया कि आप लोग अपने रिटर्न टिकट्स कैंसिल कर दो, या फिर पोस्टपोन तो करना मत, कैंसिल ही कर दो, क्योंकि फायदा नहीं है, अभी हम लोग जब होगा हम बताएंगे तुम्हें कब आना है,
फिर उसके बाद सर कुछ स्टूडेंट्स वहीं पे थे, अभी भी है, हमारे जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो वहीं पे है, तो उनके लिए मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, इवन मतलब हर बिल्डिंग के नीचे या फिर लाइक डॉम्स के बाहर ही टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि किसी को टेम्परेचर राइज हुआ है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, और शायद बीच में वो लोग रूटीनली डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो सर काफी अच्छे से डील कर रही है। और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कुछ समय की बात है, उसके बाद वापस चाइना जाने में आपको डर लगेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, मुझे बस जाना है, अब मैं थक गई हूँ यहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए अभी, ठीक है? आप भी सर। हाँ, हम तो बिल्कुल पिछले 20-22 दिनों से ऑलरेडी घर में अंदर है। सर।